गाड़ी पर फुटबॉल क्यों लगी? फैजाबाद में शहरी का बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद, इस वाकये की फुटेज भी सामने आ गई जिसमें कार सवार शख्स को बच्चे को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। थप्पड़ मारने की वजह से बच्चा जमीन पर गिरा और उसका दांत टूट गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चा गली में खेल रहा था कि गलती से बॉल गाड़ी पर लगी। बच्चे के वालिद ने पुलिस को कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी। हमारे नुमाइंदे मनान अशरफ मजीद आगाह करेंगे। जी मनान, बताएगा क्या मौजरा है ये? के मासूम बच्चे थे जो 3 से 5 साल की उम्रों के थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। वो छोटा सा बॉल था उनके पास और प्लास्टिक का बैल था, वो था बैट था। इसी दौरान वो शॉट एक चलती है और वो शॉट बॉल जो है वो कार की स्क्रीन के ऊपर लगता है, जिससे वो फौरन जो कार मालिक है वो तैश में आ जाता है और मासूम 3 साल के बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ मारता है कि वो मौके के ऊपर कई फुट दूर जा के गिरता है और जख्मी भी शदीद हो जाता है। जब अहले इलाके को पता चलता है, इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो कार सवार फरार हो जाता है। तो फिर लोगों ने पुलिस से रابطہ किया और उन्हें दरखास्त दे दी है उसके वालिद ने कि जी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस का ये कहना है कि हम कार सवार को तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह कार सवार को गिरफ्तार भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सामने अक्सर ये वाकये हो जाते हैं। लेकिन इतनी बेदर्दी के साथ मारना बच्चे को, वो भी 3 साल का 4 साल का बच्चा था, और उसे इस तरह मारना। सही, बहुत शुक्रिया मनान।